पंचासीन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक हमारे अभिभावक श्री अमित सर, उनके सामने दाई ओर बैठे उप मिशन निदेशक हमारे संयुक्त सचिव महोदय, उप सचिव संयुक्त सचिव महोदय श्री संजय कृष्ण सर, विकास सर, माला मैम, लाल बाबू सर, तमाम जो सूचना जनसंपर्क विभाग के हमारे पदाधिकारी हैं, तमाम लोगों का हम जो हैं हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम में बाहर से जो अतिथि आए हैं, नोडल ऑफिसर्स आए हैं, उन तमाम लोगों का भी हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। चूँकि आयोजन जल जीवन हरियाली अभियान से जुड़ा है, जल जीवन वाकई में जल ही जीवन है, मुख्यमंत्री के ये प्रयासों का नतीजा है कि यूएन में हमारा बिहार का झंडा बुलंद हुआ, हमारी बातें वहाँ तक पहुँची। और जब कोई देश इन जैसे मुद्दों पर विचार करता है, वहाँ बिहार को हम अगर हम पाते हैं, तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री के प्रयासों का नतीजा है कि हम जल जीवन हरियाली जैसे विषय पर आज बातचीत करते हैं, जहाँ कई देश इन चीज़ों से, इन मुद्दों से अभी भी अछूते हैं। हमारे सूचना जनसंपर्क विभाग के निदेशक के मेहनती प्रयासों का ये नतीजा है कि हम जल जीवन हरियाली जैसे विषय पर आज व्यापक प्रचार प्रसार आप लोगों के बीच में कर रहे हैं। विभागों से मिले सुझावों, विभागों से मिले कार्यक्रमों और विभागों से मिले इनपुट्स के आधार पर हम बेहतर कार्य योजना बनाने की दिशा में भी प्रयत्नशील हैं, और उम्मीद के मुताबिक हम कई बेहतर जो कार्य योजना आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहे हैं। बीइंग अ पीआर एक्सपर्ट, हमारा ये योगदान है, ज़रूर है कि हम बेहतर प्रचार प्रसार इस कार्यक्रम का कर सकें। इसके लिए हम दो चीज़ों पर, हम लोग दो अवयवों पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग जो अपनी योजनाएं बनाते हैं, उसे दो तरह से टारगेट करते हैं। एक मास के हिसाब से, जो एक बड़ा गैदरिंग समूह है, जो बड़े लोग हैं, जो हमारा जो व्यापक हमारे जनमानस है उनके बीच में, और दूसरा प्रयास क्लास के बीच में, जो ऐसे लोग हैं जो जल जीवन हरियाली के ऊपर अपने विचार तो व्यक्त करते हैं, लेकिन ज़मीन पर, धरातल पर वो मासेस के हिसाब से वो नहीं पहुंच पाते हैं। वजह ये होता है कि देखिए, क्लासेस के बीच में हम अगर विचार के रूप में भी चीज़ों को ले जाते हैं, तो उसका भी व्यापक प्रभाव मासेस के ऊपर पड़ता है। तो हम दो तरह से काम करते हैं, एक क्लास के ऊपर में एक ये छाप छोड़ें, क्लास के ऊपर में ये हम बात रखें, उनके मन मस्तिष्क पर ये चीज़ें डालें कि क्या ज़रूरी है, कौन से अवयव को हम लेकर के जाएं, प्रचार का हमारा तरीका क्या हो, और मासेस के बीच में हम उस तरीके के व्यापक प्रभाव को हम विस्तारित करें, ज़मीन पर लाएं। इसमें ATL एक्टिविटीज़ यानी अबव द लाइन, अब BTL एक्टिविटीज़ बिलो द लाइन, दोनों चीज़ों को करना ज़रूरी है। टेलीविजन्स जो चैनल्स होते हैं, उनमें हम जल जीवन हरियाली से जुड़े जो सामग्रियां हैं, जो कंटेंट्स होते हैं, प्रचार के रूप में दे सकते हैं। साथ में न्यूज़ के अवयवों के रूप में जो हमारे प्रयास विभागों के तरफ से हुए हैं, जो सरकार के प्रयास अब तक हुए हैं, उन तमाम चीज़ों को न्यूज़ के रूप में, कंटेंट्स के रूप में भी हम प्रसारित करते हैं। टेलीविज़न का एक व्यापक प्रभाव जनमानस पर पड़ता है। अक्सर हम ये देखते हैं कि कहते हैं कि देखने वाली चीज़ें जो सुनने वाली और पढ़ने वाली चीज़ों से, उसका कई गुना ज़्यादा प्रभाव मन मस्तिष्क पर पड़ता है। इसलिए टेलीविजन्स पर हम ऐसे कंटेंट को प्रचारित प्रसारित करें, आपकी तरफ से वो कंटेंट और बेहतर तरीके से आए, कि हम जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारी जो पहल है जल जीवन हरियाली, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के जो प्रयासों का नतीजा है, उसे कैसे व्यापक कैनवास मिले, कैसे देश और दुनिया में बिहार के इस प्रयास की सराहना हो, और हम इस मंच से एक, ये तो एक कह सकते हैं कि ये बहुत हमारे लिए तो सुखद अनुभूति है कि जल जीवन हरियाली जैसे मुद्दों पर हम लोग 3-4 सालों से विमर्श करते हैं। हमारे निदेशक महोदय, हमारे सचिव महोदय के ये प्रयासों का भी नतीजा है कि जो सूचना जनसंपर्क विभाग है, ऐसे विभागों का एक नोडल विभाग है, और ये तमाम ऐसे प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी निभाता रहा है। पीआर एक्सपर्ट के तौर पर एक दूसरा महत्वपूर्ण जो अवयव है, डिजिटल जो मीडिया मोड होता है, आप जानते हैं, डिजिटल कंटेंट के तौर पर एक जो बड़ा वर्ग है देश में, जो 4G संस्करण कह सकते हैं, जो पत्रकारिता का एक चौथा स्वरूप उभर कर सामने आया है, प्रिंट था, रेडियो था, इलेक्ट्रॉनिक था, और अब डिजिटल मीडिया है। डिजिटल मीडिया से आशय कंटेंट और यूट्यूब्स पे जो चैनल्स होते हैं, आप देखते होंगे, वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी लोगों के बीच में वायरल होता है। तो हम ये कोशिश करें कि हम ऐसे छोटे से कंटेंट्स, छोटे से वीडियोस, छोटे से जो होते हैं स्टोरीज़ को हम यूट्यूब के ज़रिए प्रचारित प्रसारित करें, ताकि इसका जो व्यापक प्रचार प्रसार जो हम लोग उम्मीद करते हैं, उम्मीद के मुताबिक है, उम्मीद से बेहतर कर सकें।
हम इस दिशा में लगातार प्रयासरत हैं, हमारी सोशल मीडिया एजेंसी इस पर बढ़िया काम कर रही हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में जो हमारा मिशन है, जो हमारा जो आयोजन की जो सफलता का जो आयोजन का जो मकसद है उसे हम पूरा करने की दिशा में सफल होंगे। हम इसके साथ ही डिजिटल मीडिया पे वो कंटेंट भी दें, न्यूज़ दें, न्यूज़ के मोड में भी दें, उस पर भी हम वो प्रचार प्रसार करें, जो इमेज के तौर पर इमेज बना करके, क्योंकि हम आपको बता दें कि जो एक अनुमान कहा जाता है कि 5 लाख से ज़्यादा ऐसे डिजिटल पोर्टल्स हैं जिस पर हम अगर प्रभाव अपने अपने विज्ञापन डालते हैं, अपने कंटेंट डालते हैं, तो इसका एक जो व्यापक प्रभाव है मास के रूप में एक बड़ी जनसंख्या के ऊपर पड़ेगा। बिहार हमेशा से इतिहास लिखता रहा है और जल जीवन हरियाली अभियान के जरिए भी हम एक नया इतिहास लिखने की दिशा में प्रयत्नशील हों। हम उम्मीद करते हैं कि विभाग का पूरा सहयोग, विभाग की तरफ से जो भी जरूरी कंटेंट्स होंगे वो हमें मुहैया कराया जाए ताकि हम उसका व्यापक प्रचार प्रसार कर सकें और हमारे कुशल नेतृत्व में, निदेशक महोदय के नेतृत्व में, हम ऐसी चीज़ों को व्यापक तौर पर लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।